हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सितंबर शिल्पी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरी यूपी टीजीटी की होम साइंस की क्लास आपको लाइव मिल जाया करेगी। साथ ही बता दूँ, आपने अगर आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो सितंबर शिल्पी सर्च करके आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं, और क्लास की जो भी आपको डिटेल है वहाँ मिल जाएगी कब कौन सी क्लास होगी। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो आपका क्लास 9th है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज आहार एवं पौष्टिकता फर्स्ट यूनिट है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आहार तैयार करना, इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, आहार तैयार करना। देखिए भाई, जब आहार तैयार करेंगे तभी खाना खाएंगे। तो आहार आयोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रतिदिन खाए जाने वाले आहार का निर्णय होता है। यानी प्रतिदिन हम जो भी खाना खाने वाले हैं उस आहार का क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं, जिसके लिए सोच कर, विचार कर, प्रयास तथा पोषण संबंधी ज्ञान की आवश्यकता होती है। जिसके लिए हमें सोच समझ कर, विचार करके, प्रयास के द्वारा पोषण संबंधी ज्ञान की क्या होती है, आवश्यकता होती है। आहार प्रबंध ग्रहणी के लिए एक चुनौती होती है, क्योंकि परिवार के प्रत्येक सदस्य का संतुष्ट और स्वस्थ रहना इसी पर निर्भर करता है। देखिए, आहार प्रबंध करना बहुत एक चुनौती होती है, और परिवार के प्रत्येक सदस्य का संतुष्ट और स्वस्थ रहना इसी पर निर्भर करता है आहार तैयार करना। गृहिणी जब अपने कर्तव्य का निर्वाह भली भांति कर पाती है, तो जब गृहिणी अपने कर्तव्य का जब भली भांति निर्वाह कर पाती है तो स्वयं भी उत्साहित होती है, संतुष्ट होती है। सामान्यतः हम प्रतिदिन 3 मुख्य आहार तथा 1 या 2 हल्का नाश्ता लेते हैं। क्या होता है, प्रतिदिन में हम 3 मुख्य आहार लेते हैं, 3 हमारे इम्पॉर्टेंट आहार होते हैं, और 1 या 2 हल्का नाश्ता लेते हैं, जैसे सुबह का नाश्ता हो गया, शाम का जो चाय पीने वाला टाइम होता है वो। आहार आयोजन में कई बातों का हमें ध्यान रखना होता है। देखिए, जब हम आहार तैयार कर रहे हैं, उसका आयोजन कर रहे होते हैं, तो हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, जिससे आहार आयोजन में कोई भी व्यवधान ना पड़े। सर्वप्रथम आहार आयोजन में विनम्रता होना बहुत जरूरी है। विनम्र होकर आप आहार का आयोजन करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, और उसमें आवश्यकता अनुसार क्या होगा, परिवर्तन हो सके। दैनिक आहार दर्शिका, आहार आयोजन करते समय पौष्टिकता आहारी मात्रा का पालन करना आवश्यक है। तो आहार आयोजन करते समय में पौष्टिकता का आहारी मात्रा का पालन करना आवश्यक है, जिसके लिए विभाजित प्रस्तावित दैनिक आहार दर्शिका की सहायता लेनी पड़ती है। भारतीय नीति में निम्न तालिका सुपाच्य है, कौन कौन सी तालिका सुपाच्य है, दाल, अंडा, दूध, मछली, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, अमरूद है, आंवला आदि है, अनाज है, अन्न सब्जियां, फल, तेल, घी, चीनी है। साथ ही समय अनुसार आहार का आयोजन करना चाहिए। जैसे सुबह का नाश्ता, तो मुख्य आहार का 1/3 भाग पौष्टिक हो, यानी सुबह के नाश्ता का जो मुख्य आहार है उसका 1/3 भाग कैसा हो, पौष्टिक होना चाहिए। सुबह का नाश्ता आकर्षक हो, स्वादिष्ट हो, जिसके अभाव में कार्यक्षमता का ह्रास व शिथिलता आ जाती है। सुबह का नाश्ता बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। दोपहर का भोजन मुख्य आहार है और पढ़ने वाले बच्चे व बाहर कार्य करने वाले व्यक्ति को पौष्टिक भोजन अपने साथ लेकर जाना चाहिए। जो बाहर पढ़ रहे हैं बच्चे, पढ़ने वाले बच्चों, बाहर कार्य करने वाले व्यक्ति को पौष्टिक भोजन अपने साथ लेकर जाना चाहिए, क्योंकि दोपहर का भोजन मुख्य आहार है। शाम का नाश्ता, देखिए शाम के समय चाय के साथ नमकीन और मीठे स्नैक होने चाहिए। रात्रि के भोजन में तो घर के सभी सदस्यों को एक साथ बैठाना चाहिए, यानी रात में बैठ जाए सभी लोग एक साथ, और भोजन कैसा हो, आकर्षक हो, रुचिपूर्व हो और पौष्टिक हो। आहार तालिका बनाने के नियमों की विवेचना, तो देखिए आहार तालिका बनाने से पहले कुछ नियमों को फॉलो करना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, हमें आहार तालिका बनानी चाहिए।
आहत तालिका बनाने के लिए पूरे दिन को एक इकाई के रूप में लेना चाहिए, यानी पूरे दिन को हम एक इकाई के रूप में लेंगे, जिसमें सुबह का नाश्ता हो जाएगा, दोपहर का भोजन हो गया, शाम का नाश्ता हो गया, रात का भोजन हो गया, पर सभी में एक जैसा भोजन ना हो, कि सुबह भी वही चीज़ हो, दोपहर में भी हो, शाम को नहीं, वो कुछ डिफरेंट भोजन हो, डिफरेंट नाश्ता हो, पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में उसमें क्या हो, उपलब्ध हो। आहार में ऐसे खाद्य पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए जो तृप्तिदायक हो। देखिए, आहार में ऐसे खाद्य पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए जो क्या हो, तृप्तिदायक हो। जैसे किसी को रोटी पसंद है, किसी को पराठा पसंद है, किसी को चावल की रोटी पसंद है, किसी को मैदा की रोटी पसंद है, तो जो जिसकी तृप्ति करता हो, जो जिसको पसंद हो, उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सभी समय के भोजन में 5, सभी समय के भोजन में 5 भोज वर्गों में से दिए गए वर्ग का समावेश होना चाहिए। तो आपको 5 भोज वर्ग बताए गए हैं, वो कौन कौन से हैं, तो बताया गया था कि आपके 5 जो भोज वर्ग है उसमें आपके सबसे आपके जो आता है, इसमें पहला वो है अनाज, इसमें आएगा आपका अनाज है, बाजरा, दालें आएंगी, फिर आपका इसमें आएगा फल सब्जियां आएंगी, फिर आपका तीसरे वाले में तीसरे स्तर पे आएगा आपका मांस है, अंडा है, ये सब आएगा, और प्रोटीन युक्त पदार्थ आएंगे। फिर आपका जो चौथा स्तर है, इसमें आपका दूध है, पनीर है, स्कम मिल्क है, ये सब आएगा, और आपके सबसे ऊपर आएगा आपका वसा और वसा युक्त खाद्य पदार्थ, जिसे हमें कम मात्रा में खाना चाहिए। अनाज और जो आपका बाजरा, दालें हैं, इसे हमें ज़्यादा मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए। और सबसे ऊपर जो 5वां रजिस्टर रहता है, वो वसा और वसा युक्त खाद्य पदार्थ, इसे कम मात्रा में लेनी चाहिए। तो ये आपके 5 खाद्य पदार्थ थे। आहार आयोजन के उद्देश्य क्या होते हैं? देखिए, बजट की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए पौष्टिक आहार का आयोजन करना चाहिए। जो बजट की सीमा है उनको ध्यान में रखते हुए हमें जो पौष्टिक आहार का क्या करना चाहिए, आयोजन करना चाहिए। परिवार की पोषकीय आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। परिवार के सदस्यों की संख्या व संरचना के अनुसार आहार का आयोजन करना चाहिए। खाद्य सामग्री की क्रम तालिका बना के खरीदारी करना। उपलब्ध साधनों, ऊर्जा, समय का अधिकतम सदुपयोग करना। पारंपरिक परंपराओं, धार्मिक परिवार के सदस्यों की रुचि, ऐसी 5 विधियों का चयन करना जिनके द्वारा पोषक तत्व की अधिकतम मात्रा प्राप्त हो। आहार प्रस्तुत करने का ढंग आकर्षण हो। आप जो भी आहार प्रस्तुत कर रहे हो वो कैसा हो, आकर्षक हो, ठीक है। तो खाद्य सामग्री का क्रम तालिका बना के खरीदारी करना, यानी जो खाद्य सामग्री आप चाहते हो अपने भोजन में, उसकी एक तालिका बनाइए, उसके बाद उसकी खरीदारी करिए। उपलब्ध साधन, ऊर्जा, समय का अधिकतम सदुपयोग करना वाला हो, तो जो उपलब्ध साधन हो वो ऊर्जा का और समय का अधिक से अधिक सदुपयोग करने वाला हो। पारिवारिक परंपराओं, धार्मिक परिवार के सदस्यों की रुचि के अनुरूप हो, यानी पारिवारिक परंपराओं के अनुरूप हो, धार्मिक हो, परिवार के सदस्यों की रुचि के अनुरूप हो, जो परिवार के सदस्य चाहते हैं उनकी रुचि के अनुरूप हो। ऐसी 5 विधियों का चयन करना चाहिए जिसके द्वारा पोषक तत्व की अधिकतम मात्रा प्राप्त हो। तो ऐसी विधियों से भोजन बनाना चाहिए, ऐसी विधियों का चयन करना चाहिए जो भोजन बना रहे हैं तो उसके पोषक तत्व की जो अधिकतम से अधिक मात्रा है वो बनी रहे, पोषक तत्व हमें प्राप्त हो सके, आहार आयोजन करते समय उसकी कोई कमी ना हो पौष्टिक तत्वों को प्राप्त करने में। आहार प्रस्तुत करने का ढंग आकर्षण हो। अगर प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो व्यक्ति की जो भूख है वो बढ़ जाएगी और वो खाना अच्छी तरह से खाएगा। साथ ही फ्रेंड बता दूँ, ये आहार तैयार करना एक लंबा चैप्टर है। अभी तो मैंने फर्स्ट पार्ट पढ़ाया है, अभी तो उसके सिद्धांत आएंगे, भोजन आहार आयोजन की विधियाँ क्या हैं ये पढ़ाऊँगी, तो अभी ये 2-3 पार्ट में चलेगा। अभी आज सिर्फ इंट्रोडक्शन जाना है, थोड़ा सा उसका प्रस्तावना जानी कि आहार तैयार करना क्या है, अभी तो बाकी बहुत कुछ है, तो इसके 2-3 पार्ट चलेंगे। सारे पार्ट जरूर देखिएगा। कल शाम 4 बजे फिर मिलते हैं UPTGT की लाइव क्लास में, तो ज़रूर अटेंड कीजिएगा। रोज़ शाम 4 बजे UPTGT की होम साइंस की लाइव क्लास होगी, तो
आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको मेरी लाइव क्लास मिल जाएगी। इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ UPTGT एग्ज़ाम 2020 करके प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें जाके आप इससे पहले की क्लासेस देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।